पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज, पहले तो हम लोग इंडेक्स क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन हम लोगों ने शुरू किया, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कर चुके थे पिछले वीडियोस तक। और आज जो है वो उसी कड़ी में आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, और फिर देखते हैं कितना तक उसमें आगे हो पाता है, उसको करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले 5 नंबर क्वेश्चन में आपका है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन देन बैलेंस। पहले बोल रहा है कि ट्रांसलेट द स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देन। आप लोगों को क्या करना है कि एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और फिर उसको बैलेंस करना। एक मैं करके आपको बता रहा हूं, बाकी का आपको मैं केवल हिंट कर दूंगा, उसको आप कर लीजिए। जैसे एक स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 इसका, सॉरी ए, कि हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ये है आपका कि हाइड्रोजन गैस जो है वो नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन गैस के साथ मिलकर के क्या बनाता है, अमोनिया। तो मैंने बात की थी, यदि एलिमेंटल हाइड्रोजन की बात करें तो हम लोग एच लिखेंगे, यदि एलिमेंट हाइड्रोजन की बात करें तो ये। लेकिन जब भी हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, आप लोग नाइन्थ में पढ़े होंगे कि जो भी ये गैसेस जनरली होते हैं वो डायटोमिक, ट्राइटोमिक ऐसे पाए जाते हैं जनरली, लेकिन ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये डायटोमिक रूप में पाया जाता है। उसको क्या लिखेंगे, H2 प्लस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को आप लोग क्या लिखेंगे, N2 टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला NH3। पहला काम क्या करना है, हम लोगों ने इस स्टेटमेंट को ट्रांसलेट किया केमिकल इक्वेशन में, पहला काम हो गया। दूसरा काम जो है आपका इसमें है, इसको बैलेंस करना। तो मैंने आपको सिखाया था क्या आ गया है, 3 और यहाँ 2। क्या सिखाया था, याद आप कीजिए, 3 और 2, तो उसको क्या बनाएंगे, 6। 3 2 कैल्शियम 6 करने की कोशिश करें, तो 6 बनाना है तो क्या लगाएंगे आगे, इसके 2, ये 6 हो गया। अब इसको 6 करना है तो इसके आगे क्या लगाएंगे, 3। और मिला लीजिए, हाइड्रोजन 6 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस ढंग से आपका बैलेंसिंग होगा। अब आगे इसी में मैं अभी बता रहा हूँ आपको, बाकी के क्वेश्चंस के लिए मैं थोड़ा सा खाली हिंट कर देता हूँ, इक्वेशंस लिख देता हूँ, लेकिन आप लोग बैलेंसिंग आपका काम है जिम्मा। जैसे अब इसके बी नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, उसका हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे, H2S। और बर्न्स इन एयर, बर्न्स इन एयर मतलब जब भी बोलेगा बर्न्स इन एयर तो मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में ही बर्न होता है और होना होता है केमिस्ट्री में, बर्न होने का मतलब ऑक्सीजन में बर्न होना होता है। O2 और टू फॉर्म टू गिव वाटर, वाटर यानी H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। आप लोगों के लिस्ट में जो मैंने 100 बैलेंसिंग करवाया था उसमें आपको ये सारे मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, तो इसको आप बस बैलेंस कर लीजिएगा। सी नंबर की ओर हम चले, सी में बोला बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। ये आप लोगों को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में आपको आया होगा, BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4O3 गिव्स। ये सब फॉर्मूला कैसे आता है ये भी मैंने पिछले वीडियोज में बताया है, और ये रिएक्ट करके एल्युमिनियम क्लोराइड बनाते हैं। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का हो गया AlCl3, और फिर बनाते हैं ये प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। देखिए मैंने बोला था ना प्रेसिपिटेट होता है, तो ऐसे डाउन एरो होता है, लेकिन यहाँ एरो देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बस जानकारी के लिए दिया कि जब भी प्रेसिपिटेट हो तो वहाँ डाउन एरो कर देंगे। अब इसको केवल आप बैलेंस कर लीजिए, फिर भी यदि बैलेंस आपको इतना बताने के बाद भी आपको दिक्कत है तो कोई बात नहीं है, आप फिर भी पूछें, आपको मैं फिर से बैलेंसिंग बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें अब डी क्वेश्चन नंबर में चलिए, डी क्वेश्चन नंबर में पोटासियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर, पोटासियम का होता है कि और रिएक्ट विथ वाटर यानी H2O,
गिव्स पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, यानी पोटासियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला था, KOH, एंड हाइड्रोजन गैस यानी प्लस H2। अब इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा, तो यहीं तक ये काम करना, पहला हम लोगों ने ट्रांसलेट किया और दूसरा काम करना उसको बैलेंसिंग, तो दोनों काम आप इसमें क्लियरली कर लीजिएगा, फिर भी कहीं डाउट हो तो आप पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस 6 में है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। इसमें तो मुझे नहीं लगता है कि किसी विद्यार्थी को दिक्कत होगी, क्योंकि 100-100 क्वेश्चंस हम लोग इसका कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको तो इसमें एक क्वेश्चन है, तो मैं एक आपको बता दे रहा हूँ, एक मैं आसान ही बता रहा हूँ आपको, मैं सबसे आसान आपको बताता हूँ और आप उसको जो आपको इसमें लगेगा वो हार्ड कीजिएगा। जैसे सबसे आसान जो मुझे लग रहा है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसका सी नंबर जो है वो क्या है, NaCl प्लस AgNO3। ये मुझे याद है कि ये रिएक्शन मैंने आपके लिस्ट में भी दिया था, उस लिस्ट में आप देखेंगे तो मिल जाएगा, गिव्स AgCl प्लस NaNO3, जहां मैंने कंफ्यूजन के लिए दिया था आपको कि आप इसमें कुछ दिमाग लगाएं, जबकि ये ऑलरेडी बैलेंस। देख लीजिए जरा, NaNaCl AgAg और NO3 सारा बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है। बाकी अब रहा आप 3 क्वेश्चन, वो आपको करना है जो बैलेंसिंग का काम होगा, क्योंकि बैलेंसिंग मैंने खूब अच्छे से बताया और बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए, तो मुझे नहीं लगता है कि बताना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने सबसे आसान क्वेश्चन आपको बता दिया, और जो अच्छे क्वेश्चंस हो आप खुद कीजिए, फिर भी डाउट हो तो आप उसको पूछिए। 7 क्वेश्चन नंबर भी देखिए, फिर वही घुमा फिरा करके वही बात पर आके अटकता है। 7 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग। इन सब के लिए आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, तो ये भी वही उसी टाइप्स है, लेकिन बस इसमें क्या किया है ऐसे लिख दिया, जैसे मान लिया लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ये है, यही है रिएक्शन आपका। अब इसको आपको करना है तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आप जानते हैं, CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3 एंड प्लस वाटर का, वाटर का H2। पहला काम हमारा क्या होगा कि पहले चेक तो कर ले कि वो बैलेंस्ड है या नहीं, तो CaCa ठीक है, ऑक्सीजन आपका 2 और 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ 3 और 1 4 ठीक है, हाइड्रोजन 2 ठो हाइड्रोजन 2 ठो ठीक है, और आपका कार्बन 1 ठो कार्बन 1 ठो, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो ऐसा लिखा हुआ है, फिर आपको इस ढंग से सिंबल्स के रूप में लिखना है और फिर उसको बैलेंस करना है। मैं और एक दो बता देता हूँ, सेकेंड है आपका जिंक कार्बोनेट, बी में है जिंक कार्बोनेट, तो ZnCO3 प्लस जिंक जिंक और प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट क्या होगा आपको AgNO3 गिव्स जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट आपका क्या हो जाएगा ZnNO3, जिंक की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो NO3 2 हो जाएगा ये, और प्लस Ag यानी सिल्वर, ये हो गया आपको, इसको बैलेंस कर लेना। थर्ड में है सी में एल्यूमिनियम Al प्लस कॉपर क्लोराइड
कॉपर क्लोराइड तो CuCl2 गिव्स एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 प्लस कॉपर Cu। बैलेंस कर लीजिएगा इसको, ये सब बैलेंसिंग आपके लिस्ट में होगा और आप लोगों ने किया भी है। डी नंबर क्वेश्चन में आइए, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटासियम सल्फेट K2SO4 ये फिर क्या बनाएगा, तो बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। और इसको आप अच्छे से देख करके बैलेंस आप कर लीजिएगा कहाँ क्या जरूरत है और उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर भी कहीं डाउट हो आप पूछें, ऐसे मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूँ मैं, और यदि फिर भी डाउट हो तो आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा हट करके, कुछ हटके नहीं, मतलब भाई आपको पहले एक क्वेश्चन लिखना है तो उसको बैलेंस करना है, और तीसरा बस इसमें जोड़ क्या दिया है कि टाइप ऑफ रिएक्शन बताना। तो हम लोग का तो कंसेप्ट एकदम क्लियर है, तो आराम से हम लोग लिख देंगे। ऐसे मैं एक बता देता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन है पोटासियम ब्रोमाइड KBr, ये हम लोग आठवां क्वेश्चन कर रहे हैं, आठवें का ये पोटासियम ब्रोमाइड यानी KBr प्लस बेरियम आयोडाइड यानी Bai2 गिव्स पोटासियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। अब इस रिएक्शन को जरा हम देखते हैं, तो ये रिएक्शन जो है ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो आप देखिए मैंने बताया था कि जहां म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, जैसे यदि के बी आर को तोड़े तो के प्लस और बी आर माइनस टूटेगा, और इसको यदि तोड़े तो बी ए प्लस और आई माइनस में टूटेगा। अब के जो है वो आई के साथ चेंज कर ले और बी ए प्लस बी आर के साथ एक्सचेंज कर ले, वही हुआ। और ऐसे एक्सचेंज को क्या बोलते हैं हम लोग, पहले तो आप पहला काम क्या करना है, तो आपको इसमें शायद बैलेंस्ड लिखना, तो बैलेंस्ड आप इसको कीजिएगा पहले जहां भी आपको बैलेंस करना आता है, और फिर टाइप ऑफ रिएक्शन लिखिए। तो ये कैसा टाइप में हमारा आएगा, डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके साथ साथ ये एक स्पेशल, मतलब उसी में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी, क्योंकि प्रेसिपिटेट बनता है इसमें, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये दोनों टाइप के, देखिए गलती से यहाँ डबल डिकम्पोजिशन लिखा गया, डबल डिस्प्लेसमेंट है ये, मैं बोल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट लिखा गया है, डिकम्पोजिशन तो डबल डिस्प्लेसमेंट है और प्रेसिपिटेशन भी है। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चंस है उनमें भी आप बैलेंस करिएगा, और बैलेंस करने के बाद टाइप ऑफ रिएक्शन आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको अब टाइप ऑफ रिएक्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है फिर भी तो आप पूछिएगा। चैप्टर के एंड में मैं फिर और कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा, सो करके हम लोग चैप्टर को एंड करेंगे। तो आठ तक आज आपका हो चुका, आठ तक का कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप उसको पूछिए, और कॉपी जो लोग उसको लिख रहे हैं तो लोग कॉपी भेजिए स्क्रीनशॉट सुन के, और जो लोग ऐसे बना रहे हैं तो लोग बनाए, और कहीं भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको चार बार पाँच बार जितनी बार आपको पूछना है, कंसेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं हो तब तक आप पूछ सकते हैं।